हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये वीडियो के आप अंत तक बने रहें। और ये हमारे पास जो न्यू 2022 न्यू नेक्सा बलिनो आई है, इसके अंदर हम लोग पूरी विदाउट वायरिंग कटिंग हम लोग को पूरा वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप स्केप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, मैं फर्स्ट में इससे मैं आपको मैं गेट से बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम लोग कैसे स्पीकर लगाते हैं और विदाउट वायरिंग कटिंग हम लोग कैसे स्पीकर लगाते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं, कंपनी इस टाइप से आपको एक फोम की सीट देती है गेट में लगाने के लिए। तो इसको हमें बिल्कुल सही तरीके से कटर से काट लेना रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही तरीके से काट के ये इसका भी बेनिफिट क्या रहता है, मैं फोम का भी मैं बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी हमने बिल्कुल ये हमने चारों गेटों में हमें ये बिल्कुल कटर से काट लेना रहता है ये वाला फोम इस टाइप से। और आपको कंपनी तरफ से इस टाइप से एक सॉकेट दिया हुआ रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला जो रिंग है, ये हमारा रिंग रहता है, स्पीकर रिंग रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला स्पीकर रिंग लगाने का ये रहता है कि जैसे हम लोग कभी स्पीकर लगा के जैसे हम लोग कभी रिंग लगाते हैं, तो ये बॉडी कभी भी वाइब्रेट नहीं करती है। और ये जो फोम रहता है, ये फोम के ऊपर से जैसे हम लोग कभी रिंग कसते हैं तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल्कुल टाइट हो जाता है। और ये बॉडी पे कभी भी ये वाइब्रेट नहीं करता, जितने भी जैसे भी हम कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो स्पीकर का। और वायरिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी हमें इस टाइप से एक सॉकेट देती है, तो ये सॉकेट में से इस टाइप से हमें ये वाले वायर निकाल लेना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पेचकस डाल के हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से ये निकल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली दोनों पिने हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरी बाहर आ चुकी है। और जो इसका जो कपलर था, जो इसी के ऊपर हमने टेप लपेट के हमने ये वाली जो वायरिंग के ऊपर ही हमने लगा दिया है। और ये है हमारे JBL का कोक्सियल स्पीकर, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्पीकर हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। और ये जो पिने आप देख रहे हैं, ये वाली पिन के अंदर हम लोग ये वाला जो जो स्पीकर का जो वायरिंग दी हुई है, डायरेक्ट इसके अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई गाड़ी की कोई ये वारंटी नहीं ख़त्म होगी और ना ही हमने कोई गाड़ी की वायरिंग कटिंग करी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी हमने इसी तरीके से हमने बिल्कुल ये इसके स्पीकर के कपलर की जो वायरिंग है वो भी हमने निकाल ली है। और जो ये वाली जो स्पीकर की जो पिन रहती है, जहाँ पे जो हम लोग जो स्पीकर के जो वायर लगाने वाले हैं, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, वो पिन के ऊपर मैंने टेप लगा दिया है ताकि वो आपस में टच ना हो। और ये हमारी रिंग भी लग चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। रिंग का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कभी आप लोग जिस कभी गाड़ी वॉश करवाते हैं, तो गाड़ी वॉश में भी डायरेक्ट हमारे स्पीकर पर पानी नहीं आता है और ना ही वो वायरिंग पे पानी गिरता है। तो जैसे कभी वायरिंग पे या स्पीकर पे पानी गिरता है तो स्पीकर शॉर्ट हो जाता है और आपका प्लेयर की साउंड आईसी भी शॉर्ट हो जाती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने चारों गेटों में यही वाली रिंग हमने लगाई है। और उसका जो फॉर्म रहता है, फॉर्म बिल्कुल बढ़िया तरीके से कटर से हमने काट लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे गेट में भी कंपनी देती है वही वाला फॉर्म देती है। तो इसको भी हमें बिल्कुल सावधानीपूर्वक से कटर से इस टाइप से हमें कटिंग कर लेना रहता है। इसको क्या कि बाकी जैसे कार एक्सेसरीज वाले बिल्कुल ही इसे फाड़ के फेंक देते हैं, तो इसको हमें फाड़ के फेंकना नहीं रहता। कटर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से कटिंग करके इसके ऊपर हमें हमारी रिंग लगा देनी रहती है ये इसके ऊपर, तो जैसे कभी वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं तो वाइब्रेट नहीं होती। और पीछे गेट के अंदर कोई कंपनी पीछे गेट तक कोई वायरिंग नहीं देती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला जो सॉकेट जो गेट के अंदर गया हुआ है, इसमें कोई वायरिंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो नीचे वाला जो सॉकेट है, ये वाला सॉकेट के अंदर ये जो स्पीकर वायर जो देती है कंपनी, जो इसको ये वाला जो सॉकेट हम लोग अभी ऊपर वाला सॉकेट हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमने सॉकेट हटा दिया हमने ऊपर वाला। और ये वाले जो सॉकेट में आप ये देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपका कोई वायर नहीं है स्पीकर वायर। तो ये वाली वायर के अंदर हम लोग जो एडिशनल वायर है वो वाला हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं इसके अंदर। बाकी आप देख सकते हैं, ये वाली वायर हम लोग यहाँ से डाल के और ये वाली जो रबर जो पाइपिंग है इसके अंदर से डाल के हम लोग यहाँ पे हम लोग बिल्कुल निकालने वाले हैं ये वाला वायर। आप ये देख सकते हैं,
और इसके अंदर हम लोग जो वायर हम लोग जो कंपनी का कटिंग करने वाले हमें से नहीं है। और आप देख सकते हैं ये वाली हमने वायरिंग बिल्कुल पाइप के अंदर से बिल्कुल बढ़िया से हमने ये अंदर ही अंडरग्राउंड हमने ये वायरिंग डाल दी और यहाँ पे स्पीकर पे लाके हमने छोड़ दी ये वायरिंग। अब जो है इसके वायरिंग बिल्कुल यहाँ तक आ चुकी है और ये वाली वायरिंग को इसका मुंह हम लोग काट के और इसकी जो वायरिंग हम लोग छील के इस टाइप से हमने निकाल ली है यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये जो यहाँ पे जो खाली जो सॉकेट जो है यहाँ से हमने जो छीली हुई वायर हमने यहाँ पे डाल दी है यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली वायर हमने यहाँ पे डाल दी है और ये वाला सॉकेट हमने जो नीचे वाले सॉकेट सा दिया है तो बढ़िया तरीके से ये बिल्कुल लॉक हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। और गाड़ी की कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई है आप ये देख सकते हैं। ये वाले सॉकेट के अंदर हमने बिल्कुल उसको कनेक्शन कर दिया है। बाकी जो नीचे वायर है उससे पावर वाके ये हमारे स्पीकर ऑन हो जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर कोई हमने कोई गाड़ी की कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी। और जैसे कभी शोरूम पे से जैसे हम कभी गाड़ी लेके आते हैं तो शोरूम वाले बोलते हैं कि जैसे कभी आप कभी बाहर काम करवाते हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। और ये वाला राइट का भी हमने वही वाला किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी कोई वायरिंग नहीं है। रियर राइट के डोर पे भी हमने वही के वही किया हुआ है। वायरिंग हमने डाली यहाँ से पाइप में से रबर वाले पाइप में से और वायरिंग हमने यहाँ से निकाल के वैसे के वैसे हमने कनेक्शन कर दिया है ये रियर डोर पे। इसमें भी हमने दोनों गेटों में कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी है हमने। और ये चारों गेटों में हमने JBL के स्पीकर लगाए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और बिल्कुल रिंग के साथ लगाए हमने वायर ये जो हमारे स्पीकर, ताकि जैसे हम कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वाइब्रेट नहीं होते हैं, वो जैसे कभी हम कभी गाड़ी वॉश करवाते हैं तो हमारे स्पीकर ख़राब नहीं होते, क्योंकि कंपनी सिर्फ शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो उसकी वारंटी देती है, मतलब कि पानी की वारंटी बिल्कुल नहीं देती है। तो ये हमें रिंग लगाना रहता है ताकि हमारा स्पीकर पानी से भी बचे और हमारा जो जैसे हम कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उससे बॉडी भी वाइब्रेट ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो कंपनी जो देती है स्पीकर और जो पावर केबल का जो सॉकेट देती है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा आफ्टर मार्केट वाला जो म्यूज़िक सिस्टम रहता है ये वाला, उसमें जो सॉकेट आता है यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला स्टेप से बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट ये हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से कनेक्शन हो जाता है। और इसमें आपको एंटीना कोड तक देती है आफ्टर मार्केट में, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा सॉकेट हमारा तैयार हो चुका है और हम लोग अब जो ये वाला जो प्लेयर हम लोग जो ऑन करने वाले हैं, और ये प्लेयर हमारा डायनामाइट कंपनी का है और इसमें आपको 2GB रैम और 32GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको IPS डिस्प्ले प्लस रहता है यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आप 4K वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। बाकी ये हमारा ऑन हो रहा है सिस्टम हमारा देख सकते हैं। और बाकी आप ये देख सकते हैं जो कंपनी जो डमी देती है सिस्टम के लिए, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में रहता है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको 7 इंच का जो जगह दी हुई रहती है। जो ये है हमारा 9 इंच एंड्रॉयड का फ्रेम है और ये हाई ग्लोसी फिनिश में है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का रहता है और ये भी हमारा ABS मटेरियल का रहता है। ये हमारा बलिनो का फ्रेम आप ये देख सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल फिटिंग हो चुका है डायनामाइट कंपनी का ये हमारा एंड्रॉयड। और आप ये देख सकते हैं जो इसके जो AC विंड भी हमने जो हमारे जो ग्लोसी फिनिश में जो फ्रेम था उसमें हमने इसमें जो हेजार्ट और आपका जो AC विंड हमने इसमें लगा दिए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा हमें पूरा कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारा GPS एंटीना भी लग चुका है, ये हमारी FM कोड लग चुकी है यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा GPS एंटीना है और इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरा सॉकेट टू सॉकेट हो जाता है। और हम लोग जैसे खोलते हैं तो गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी कोई स्क्रैचेस नहीं आता है यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर भी आपको कोई स्क्रैचेस नहीं मिलेगा ये फाइबर पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी आप फिटिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिटिंग आई है। कहीं से कहीं तक कि आपको गेप नहीं दिखेगा और कहीं से कहीं तक कि आपको डैशबोर्ड पे आपको स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे आपको, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ बिल्कुल फिटिंग हो जाता है आप देख सकते हैं। और इसमें कहीं से कहीं तक कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको दिखा दूँ
इसके अंदर आपको क्रोम ब्राउज़र मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें आपको गूगल मिल जाता है, ये आपको गूगल मैप मिल जाएगा, इनबिल्ट आपको यूट्यूब मिल जाएगा, ये प्ले स्टोर है जो भी आपको डाउनलोड करना है, और आपका फ़ोन लिंक भी हो जाएगा, जैसे आप कभी आईफोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कनेक्ट हो जाता है, और आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और ये आप ये देख सकते हैं इसका टच सेंसिटिविटी काफ़ी, ये काफ़ी स्मूथ आपका ये टच काम करता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया रहता है। और इसमें आपको एक साल की रिप्लेसमेंट आपको गारंटी मिल जाती है इसमें प्लेयर में, और इसमें आपको सामने ही आपको फ्रंट पे आपको क्लॉक, डिजिटल क्लॉक भी देखने को मिल जाता है। और ये है हमारी बलेनो में, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आउटर जो लाइन रहती है क्रोम वाली जो फ्रंट बम्पर पे, इस पर भी बिल्कुल पूरा कुछ भी नहीं है, ये पूरा बेसिक मॉडल है ये, तो इस पर हम लोग ये वाली जो आउटर जो ग्रिल है यहाँ पे देख सकते हैं बलेनो की, ये वाली भी हम लोग जो फ्रंट जो बम्पर है जो आउटर ग्रिल हम लोग ये वाली भी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्रोम भी काफ़ी बढ़िया रहता है, और यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका क्रोम जल्दी ख़राब नहीं होता है और काफ़ी बढ़िया क्रोम रहता है इसका। और इसको हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल हम लोगों ने प्राइमर पहले लगा दिया ताकि वो निकले नहीं, और ये प्राइमर से हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा दिया है। और ये जो आउटर ग्रिल जो रहती है इसकी फ्रंट वाली, इसमें आपको तीन पीस में रहती है ये, और ये बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो जाती है।